नाराज कर दिया ना मेरी बेटी को। ताबिश, वैसे भी पहले बच्चे के नाम पर तो फुफियों को ही हक होता है और उन्हें बड़ा मान होता है अपने भाइयों पर, और तुमने सारिश को नाराज कर दिया। अच्छा नहीं किया। मामा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। मामा, रोमी की भी तो पहली खुशी है ना। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों ने नाम डिसाइड कर लिया है कि मूसा ही रखोगे तो मैं सैरिश को मना लूंगी, आखिर तुम दोनों की पहली औलाद है। नहीं मामा, मैंने सिर्फ नाम सजेस्ट किया था, फाइनल नहीं है। हम आहिल अहमद ही नाम रखेंगे, बहुत अच्छा नाम है। द ग्रेट किंग मतलब भी अच्छा है। सच? मैं जाके सैरिश को बताती हूँ, वो बहुत खुश होगी। You are the best. Ahil. Ahil baby, आप अकेले उठे हैं? भाभी, मैं आहिल को लेके जा रही हूँ। सैरिश सोने वाला है। हाँ तो मैं सुला दूंगी, ऐसी कौन सी बात होगी, है ना? है ना? अच्छा, बहुत प्यार नहीं आ रहा आज अपने भतीजे को? ऑब्वियसली मेरा खून का रिश्ता जो है ना? मुझे धक्का देते वक्त इस बात का ख्याल नहीं आया था। ना मैंने आपको कोई धक्का दिया, ना मुझे कुछ ऐसा याद है भाभी। सैरिश, तुम्हारी वजह से इस नन्ही सी जान को नुकसान पहुंच सकता था, मेरी जान पर बात आ सकती थी। तो अल्लाह का शुक्र है मामला सेटल हो गया, वरना तुम्हें अंदाजा है क्या होता। ओ गॉड भाभी, अब हो गया ना सेटल? क्या प्रॉब्लम है आपकी फॉर गॉड सेक? तुम अभी भी माजरत करने के बजाय अपनी बात पर अड़ी हुई हो। आप शुक्र करें मेरा कि मैंने वक्त पर एम्बुलेंस बुला ली थी, अगर मैं ना बुलाती तो न जाने क्या हो जाता। सैरिश, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? एक तो तुमने घर वालों को झूठी कहानी सुनाकर बात बताई, और फिर मुझे एहसान जता रही हो कि तुमने एम्बुलेंस बुलाई, जबकि गलती सारी तुम्हारी थी। ना ना भाभी, मेरी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी आप और आपकी अम्मी इतनी वाहियात हरकत ना करती तो शायद मुझे इतना गुस्सा भी ना आता। लेकिन प्लीज आप चिल करें, क्योंकि आपके गुस्से की असल वजह मैं जानती हूँ। असल वजह यह है ना कि आहिल का नाम मेरी मर्जी से रखा गया है और आपकी मर्जी रिजेक्ट हो गई। मेरा दिल इतना छोटा नहीं कि किसी के नाम रखने पर उस इंसान से बदगुमान हो जाऊं। ये तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। जो जरा सी बात पर दिल में गिरा बांध लेते हैं और लोगों के सामने रोना धोना करके अपना मकरू चेहरा दिखाते हैं।